हेलो फ्रेंड, मैं हूँ घासी। आप देख रहे हैं क्विक मोबाइल रिपेयर। दोस्तों, आज सैमसंग 313 का कीपैड सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों, इसका आधा स्विच काम कर रहा है और इसका बैक स्विच काम नहीं कर रहा है। देखिए, 1 2 3 4 5 7 8 9 * 0 है, ये सब काम कर रहा है। कल बटन काम कर रहा है, पावर काम कर रहा है, ये ऊपर का काम कर रहा है, अप डाउन काम कर रहा है, वो साइड में काम नहीं कर रहा है। तो इसका कीपैड प्रॉब्लम है। उसका कीपैड प्रॉब्लम किस हिसाब से आप सोल्यूशन कर पाओगे, उसका ट्रैक कहाँ है, इसका ट्रैक कैसे कर पाओगे, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, इसको फटाफट खोल लेते हैं और आगे किस हिसाब से आपको जम्फर करना है या कहीं से ट्रैक आपको लेना है, इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से जानकारी देंगे। दोस्तों, इसको फटाफट खोल लेते हैं। दोस्तों, ये खोल गया है सेट और इसका देखते हैं कहीं पर इसका ट्रैक टूटा हुआ है क्या कुछ है, उसको देखने से मालूम चलेगा। खोल के इसका कीपैड पत्ता को भी आप खोल लीजिए, इसका पता आप खोल लीजिए। पता नहीं खोलने से आपको ट्रैक का मालूम नहीं चलता है। दोस्तों, इसको एक बार खोल लीजिए, देखिए पता आप खोलने से ट्रैक टूटा हुआ या नहीं है इसके आपको मालूम चलेगा। दोस्तों, आप ये बजर पॉइंट में मीटर को सेट करके आपको देखना है उसका कंटिन्यूटी। देखिए, एक ग्राउंड पॉइंट में लगा दीजिए, एक पॉइंट को रेड पॉइंट को ग्राउंड में लगा दीजिए। सप्लाई का साइड का ग्राउंड होता है, देखिए रीडिंग आ रहा है। दोस्तों, इसमें रीडिंग नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रैक कहीं से टूटा हुआ है। तो इसका आपको जानकारी लेना पड़ेगा, ये ट्रैक कहाँ से टूटा हुआ है। देखिए, उसका सभी का लिंक लेकर देख लेते हैं। दोस्तों, ये सभी का लिंक ऐसा आना चाहिए और इसका लिंक नहीं आ रहा है। तो उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, आपको इस हिसाब से जाने से पता कर पाओगे कि कहाँ से इसका कनेक्शन जोड़ना है। दोस्तों, इसका ब्लॉक डायग्राम भी हमने दे रखा है। देखिए, आप एक काम कीजिए, मिडिल का इसका पॉइंट है, देखिए मेनू बटन का मिडिल का पॉइंट से एक होल्डिंग करना है और इसका मिडिल पॉइंट में बैक का सोल्ड करना है। दोस्तों, इस हिसाब से आप सोल्ड करने से इसका ये प्रॉब्लम, बैक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन दूसरा भी कुछ कीपैड का प्रॉब्लम है, तो आगे देखिए, आपको आगे इसका जानकारी दिए हैं। देखिए, ये दोनों आपको सेट करना है, जम्फर करके, जम्फर वायर के माध्यम से सेट करना है। ये सेट करने से दोस्तों ये काम करेगा। दोस्तों, इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार बैटरी लगा करके। एक ब्लॉक डायग्राम भी दिए हैं, इस हिसाब से दोस्तों आपको करना है। ब्लॉक डायग्राम देखिए, इस हिसाब से आपको ट्रैक कहीं से टूट गया है, तो इस हिसाब से आपको करके करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारा वीडियो आपको तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारे चैनल में जुड़े हुए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप चेक करते हैं दोस्तों, ये हमारा सेट चालू हो गया है, इस हिसाब से आपको रिपेयर करना है। दोस्तों, चेक करते हैं, सेट तो चालू हो गया है, थोड़ा फ्यू सेकंड लगता है। ये बैक कर लेते हैं दोस्तों, अभी देखते हैं बैक बटन को खोल रहा है कि, देखिए खोल रहा है, ये खुल गया है। देखिए, अब मेनू खोलते हैं, मेनू भी खुल गया है। देखिए, दोबारा टच हो गया है, देखिए ये मैन हो गया है, खुल गया है, ये बैक बटन बैक काम कर गया है। तो इस हिसाब से आपको दोस्तों करना है और जिस ब्लॉक डायग्राम दिए हैं, हिसाब से करने से किसी का ट्रैक टूटा हुआ तो ठीक हो जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।